हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी मेरे पास एक आदमी बैठा था वो फ़ोन पे किसी से कुछ डिस्कस कर रहा था मैंने उसकी बात सुन ली वो किसी से फ़ोन पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा था उसकी बातों से लगा कि वो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था मैंने देखा कि उसकी वाइफ और सात साल का बच्चा है उसका कंफ्यूजन देखकर मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर दू क्वेश्चन था कि उसे क्या चूज करना चाहिए फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या आप भी जानना चाहते हैं इसका जवाब तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और आपको क्या चूज करना चाहिए अपने लिए तो चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें अरे मैं आपको इस पैसेंजर का नाम बताना ही भूल गई इनका नाम है रवि इसकी वाइफ का नाम है सीमा और इनके बच्चे का नाम है अमन सबसे पहले रवि ने क्वेश्चन किया कि आखिर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते क्या हैं। मैंने उनको सबसे पहले इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताना शुरू किया इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से पॉलिसी ली जाती है जैसे कि अगर आपने अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए इंडिविजुअल प्लान लिया तो तीनों के लिए अलग अलग प्रीमियम भरना पड़ेगा और तीनों का कवर अलग होगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपने लिए पांच लाख अपनी पत्नी के लिए तीन लाख और अपने बच्चे के लिए दो लाख का कवर लिया तो अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो आपको पांच लाख तक का कवर मिलेगा लेकिन अगर आपकी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उनको सिर्फ तीन लाख रुपए तक का ही कवर मिलेगा अब बात करते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की इसमें एक ही पॉलिसी होती है जिसमें पूरे परिवार को कवर मिलता है इसमें प्रीमियम एक ही होता है और कवर भी एक ही होता है जो सभी परिवार के सदस्यों के बीच में बांटा जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपने परिवार के लिए दस लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया तो अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो आपको दस लाख तक का कवर मिलेगा मान लीजिए कि आपने उसमें से आठ लाख यूज कर लिया तो अगर उसके बाद आपकी पत्नी को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उनको बचे हुए मतलब दो लाख तक का कवरेज ही मिलेगा फिर रवि ने मुझसे ये पूछा कि अगर किसी के मदर या फादर हो तो उन्हें भी पॉलिसी में कवर किया जा सकता है हाँ बिल्कुल उन्हें भी फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है फैमिली फ्लोटर में चार से छः लोगों को ऐड किया जा सकता है रवि कहने लगा फिर तो फैमिली फ्लोटर ही बेटर है मैंने कहा नहीं सबसे पहले दोनों के डिफरेंस को समझ लो ताकि बेटर डिसीजन ले सको तो उसने कहा बताओ फैमिली फ्लोटर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सी चीज़ों में डिफर करते हैं अगर सबसे पहले बात करें तो कवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिफर करते हैं रवि ने पूछा इसका मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हर मेंबर के लिए अलग अलग पॉलिसी होती है इसका मतलब अलग अलग कवरेज होता है हमारे एग्जाम्पल में जैसे अगर आप अपने लिए पांच लाख का कवरेज लेते हो अपनी पत्नी के लिए तीन लाख और अपने बच्चे के लिए दो लाख का कवर तो हर एक मेंबर के पास अलग अलग कवरेज है दूसरी तरफ फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ही पॉलिसी होती है जिसमें पूरे परिवार को कवर किया जाता है हमारे एग्जाम्पल में जैसे आपने अपने परिवार के लिए दस लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया यहाँ पे एक बेनिफिट है कि अगर पूरे साल में से सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है तो वो पूरा दस लाख का कवरेज यूज़ कर सकता है मतलब एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्रीमियम कैलकुलेशन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का कॉस्ट एल्डेस्ट फैमिली मेंबर की एज और हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है चाहे फिर बाकी मेंबर्स कितने भी छोटे हों लेकिन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर इंश्योर्ड पर्सन की एज हेल्थ स्टेटस और रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करके डिटर्मिन किया जाता है इसलिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में हर फैमिली मेंबर का प्रीमियम अलग अलग हो सकता है जबकि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में सब मेंबर्स के लिए प्रीमियम सेम होता है मतलब प्रीमियम मेरी एज से डिसाइड होगा फैमिली फ्लोटर प्लान में रवि ये पूछता है हाँ अब रवि ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैं अपने बेटे को फैमिली फ्लोटर प्लान में कौन सी एज तक कवर कर सकता हूँ इससे मुझे नेक्स्ट डिफरेंस याद आया चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को समझते हैं कवरेज फॉर डिपेंडेंस फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज पूरे परिवार को मिलता है जिसमें मेन पॉलिसी होल्डर उनका पति या पत्नी और डिपेंडेंट बच्चे 25 साल तक या शादी ना हुई हो तब तक डिवोर्सी विधवा बेटी और डिपेंडेंट माँ बाप शामिल होते हैं वहीं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक व्यक्ति को कवर करता है जिसके लिए हर परिवार के सदस्य को अलग से पॉलिसी लेनी पड़ती है फैमिली फ्लोटर प्लान में माँ बाप की एज का कोई महत्व नहीं होता लेकिन बच्चों की एज का होता है बच्चों की एज लिमिट अलग अलग इंश्योरर्स और प्लान के लिए 18 से 25 साल तक की होती है जब वो इस एज से ऊपर हो जाते हैं तो उन्हें अडल्ट माना जाता है और उन्हें इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ता है अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नो क्लेम बोनस मैंने रवि से कहा मान लीजिए कि आपके पास इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके और आपकी वाइफ के लिए अब अगर एक साल में आप कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको अगले साल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल सकता है जिसे हम नो क्लेम बोनस कहते हैं अब मान लीजिए कि आपकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो वो नो क्लेम बोनस नहीं ले पाएंगी पर आपको नो क्लेम बोनस जरूर मिलेगा अब मान लीजिए कि आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया था इसमें आप दोनों को ज्वाइंटली एक कवरेज मिली है अगर आपकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो आप दोनों ही नो क्लेम बोनस का फायदा नहीं उठा पाओगे अगर आप नो क्लेम बोनस के बारे में और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं रवि मुझे कहता है अब मुझे सब समझ आ रहा है पर मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों पॉलिसी के प्राइस में क्या डिफरेंस है मैंने खुश होके कहा आप बहुत समझदार हो गए इन पॉलिसी के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ही प्राइस है चलिए मैं आपको समझाती हूँ प्राइस जब आप एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करते हैं तब आपको सब मेंबर्स के लिए अलग अलग प्रीमियम पेमेंट करनी पड़ती है लेकिन जब आप एक फैमिली फ्लोटर बाय करते हैं तब प्रीमियम एक बार ही पे करना होता है चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अज्यूम करते हैं रवि 35 इयर्स का है उसकी वाइफ 32 इयर्स की है और उसके दो बच्चे हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर रवि चारों के लिए दस लाख रुपए की इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो टोटल प्रीमियम थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स फोर्टी सेवन रुपीज का होगा अब अगर वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेता है सेम समर श्योर्ट के लिए तो टोटल प्रीमियम नाइनटीन थाउजेंड टू ट्वेंटी रुपीज का होगा मतलब सिक्सटीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी सेवन रुपीज का डिफरेंस तो इसका मतलब फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान और इंडिविजुअल हेल्थ प्लान में प्रीमियम में काफी डिफरेंस होता है अब रवि ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज बेटर तो मैंने कहा अगर आप सिंगल हैं और आपके पेरेंट्स के पास पहले से ही अपना हेल्थ प्लान है तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना समझदारी होगी वहीं अगर आप एक यंग कपल हैं या आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा अधिकतर परिवारों के लिए जिनमें अभी कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यूज की मेजर हिस्ट्री नहीं है फैमिली फ्लोटर्स सबसे अच्छा ऑप्शन होते हैं लेकिन अगर आपके परिवार की पोर मेडिकल हिस्ट्री है कोई क्रोनिक इलनेसेस हैं या किसी मेंबर को एडवर्स हेल्थ कंडीशन है तो लॉन्ग रन में इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदना हेल्पफुल होगा इसका मतलब फैमिली फ्लोटर बाय करना या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना आपके नीड्स फाइनेंशियल सिचुएशन और वांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा इसलिए अपनी फैमिली कंडीशन को समझना इंपॉर्टेंट है इससे आप एक इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं फाइनली फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दोनों अच्छे ऑप्शन हैं लेकिन कौन सा चुनना है यह आपके सिचुएशन कंडीशन पे निर्भर करता है लेकिन चाहे आप कोई भी प्लान चुनते हैं यह इंश्योर करें कि आपके पास किसी भी हालात में हेल्थ इंश्योरेंस हो तो इसके साथ हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जहां आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय